सारा आकाश उत्तरार्ध पाठ दो। मैंने आश्चर्य से आंखें फैलाकर पूछा, तुमने खुद देखा? प्रभा दूसरी ओर देखती रही, बोली, खुद तो नहीं देखा, लेकिन मुन्नी बीबी बता रही थी, उन्होंने भी देखा था। वह कहती थी कि आपको बताएगी। जैसे ही मैं साग चढ़ाकर जरा हटी कि भाभी ने मुट्ठी भर नमक डाल दिया। दोनों कोहनियों के सहारे उठा हुआ मैं हथेलियों पर अपना गंभीर मुख रखे गहराई में सोचता रहा। उसी तरह पूछा, तुम पहले दिन हमसे क्यों नहीं बोली थी? आने के दिन ही इतना बड़ा अपमान क्यों किया? प्रभा एक घुटना उठाकर बैठी थी, दोनों बाहें उस घुटने के चारों तरफ मंडला कर डाल दी थी और दोनों हथेलियां घुटने पर फैलाकर उस पर ठोड़ी रख ली थी। इसी तरह बिल्कुल शांत अविचलित भाव से मेरी प्रत्येक बात का जवाब दे रही थी। कोठरी से बाहर कल वाली चांदनी की रिमझिम वर्षा हो रही थी और दूधिया फुहार का एक आयात का टुकड़ा तिरछा होकर हमारी चारपाई के पास तक आ गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे पिछली बात बताने को तैयार किया था। उतार चढ़ावहीन स्वर में कहा, अपमान तो नहीं किया था, आपको ऐसा लगा कि मैंने अपमान किया? फिर गहरी सांस लेकर बोली, छोड़ो भी, उन बातों को दोहराने से अब फायदा भी क्या, किस्मत में लिखा था, हो गया। किस्मत विस्मत कुछ नहीं प्रभा, मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। अब बताओ ना, हम तो इतनी खुशामद कर रहे हैं, मैंने अनुरोध के स्वर में कहा और धीरे से उसका एक हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका कोमल हाथ ऐसा बेजान और ठंडा था कि मुझे खुद रोमांच हो आया। हाथ उसने यूं ही रहने दिया। मेरी इस बात पर विद्वानों और अनुभवियों की तरह धीरे से हंसी। इतना जलाकर अगर जरा सी खुशामद भी कर ली तो क्या हो गया? फिर बिना मुझे जवाब देने की फुर्सत दिए बोली, हफ्तों से जागने की थकान थी, बहुत बदन टूट रहा था, तबीयत बड़ी उदास थी, जरा जरा सी देर बाद घर की याद आती। फिर मुन्नी बीबी ने अपना किस्सा सुनाया तो मन और भी बेचैन हो गया। वही तो यहाँ बातें करने वाली थी। फिर संयोग से उसी दिन खिड़की के सामने वाले घर में वह कम्बखत सांवल की बहू जल मरी। और भी तो एक बातें ऐसी हो गई कि रोने के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बोलने का तो कतई मन ही नहीं था। फिर सुना कि आपकी इच्छा नहीं थी शादी करने की। सारे हौसले तो यूं ही मर गए थे। क्या बात करती आपसे। देखो प्रभा, जब बताने बैठी हो तो छिपाओ मत। मैं सचमुच जानना चाहता हूं, तुमने विश्वास दिलाया है कि साफ साफ बताओगी, फिर अभी से यह चालाकी क्या करने लगी? मेरा मुलायम और अनुरोध भरा स्वर अनजाने ही काप कर थरथराने लगा। आगे बढ़कर मैंने उसकी जांघ पर सिर रख लिया और चित लेट गया। जाने क्यों मुझे लगता था कि वह झटका कर मेरा सिर हटा देगी कि अब प्रेम जताने आए हो। एक मासल उष्णता से मेरे मस्तिष्क की एक एक शिरा लरज उठी। उन्हें अब रहने दो ना। कोठरी के अंधकार में उसके चेहरे की सिर्फ छाया सी ही दिख रही थी, लेकिन जैसे ही मेरे माथे पर दो जलती बूंदे टपकी तो मैं चिहुक पड़ा। उंगलियों से उसकी ठोड़ी अपनी ओर घुमाता हुआ स्नेह से डांट कर बोला, यह क्या बेवकूफी है, अब 24 घंटे रोगी? और मैंने हल्के से उसके गाल पर एक चपत लगा दी। उसके होठों पर झलकती लाज खिली मुस्कान मेरी कल्पना की आंखों के आगे साकार हो आई, पर साथ ही मैंने झट अपना हाथ हटा लिया। ध्यान आ गया, इसी गाल पर इन्हीं हाथों का तमाचा पड़ा था और वह तिलमिला उठी थी। वह भी उस मिट्टी के ढेले के लिए जिसे पंडित ने गणेश बना दिया था। रोशनी होती तो देखता उंगलियों की निशान अब भी है या नहीं। लगा प्रभा को भी उस दिन की बात याद आ गई। सकपका कर मैंने एकदम विषय बदल लिया। अच्छा प्रभा, एक बात बताओ, ये भाभी और अम्मा तुमसे इतनी नाराज क्यों हैं?
प्रभा ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर घूंट भर कर बोली, मुझे क्या पता, हमारी किस्मत में यही लिखा होगा, और क्या कहूं। देखो प्रभा, तुम्हें मेरी कसम है, इस वक्त जो कुछ जानना चाहता हूं मुझे सच सच बता दो। तब से किस्मत किस्मत लगा रखी है, किस्मत विस्मत को तो इस समय झोंको भाड़ में। जिंदगी में पहली बार मैंने भाग्य के विरोध में कहा। यह क्या बुरी आदत है, बोलने की देर नहीं हुई कि मेरी और तुम्हारी कस्में चलने लगी, उसने प्यार भरी झुंझलाहट से कहा। उसके दोनों हाथ पहले तो मेरे गरम माथे पर निश्चित रखे रहे, फिर धीरे धीरे मेरे उलझे बालों में घूमने लगे। जाने कितनी बोतलों का नशा मेरी नस नस में उतरता चला गया। यूं ही उंगलियां चलाती वह बोली, अम्मा बाबूजी को नाराज करने का तो कारण साफ ही था, लेना देना उनके मन के लायक नहीं हुआ। रुपया पैसा अच्छा जेवर कपड़ा कुछ भी तो नहीं ला सकी, इसमें पढ़ी लिखी होना भी एक दुर्गुण बन गया। यो मुन्नी बीबी ने तो इसका खूब प्रचार किया ही दबी जबान से। अम्मा ने भी संतोष प्रकट किया कि लाई चाहे कम हो लेकिन बड़ी बहू से लाख दर्जे अच्छी हूं देखने सुनने में। बस तुम्हारी भाभी को नाराज करने के लिए ये दो तीन बातें काफी थी। दिन रात वे अम्मा के कान भरती रहती थी, मैं सुनती और चुप रहती। कहती किसे जाकर, तुम भी नाराज थे, बहुत बार मन में आता कि मैं सांवल की बहू की तरह। आगे गला भर रहा आया और फिर दो तीन बूंदे टपकी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके मुंह पर रख दिया, प्यार से डांट कर बोला, खबरदार प्रभा जो इस तरह की एक भी बात कही। फिर उसकी गर्दन में बाहें डालकर सिर नीचे झुकाया और धीरे से उसके शीतल पड़पड़ाए होठों को चूम लिया। मुझे लगा मानो जलती ब्रांडी का घूंट मेरी नस नस में जन जनाता चला गया हो। कांपती भर्राई आवाज में कहा, प्रभा बस इस बार इस गलती को माफ कर दो, मालूम नहीं मेरे ऊपर कौन सा भूत सवार हो गया था, यह मेरी जिंदगी की सबसे आखिरी गलती है। आओ आज हम निश्चय कर ले कि कभी नहीं लड़ेंगे, कभी भी, चाहे कोई कुछ कहता रहे। प्रभा ने अपने गाल से मेरे होठों को दबा दिया और बात टूट गई। आंसू फिर बहने लगे। मैंने झिड़क कर कहा, फिर वही, तुम बड़ी कमजोर हो प्रभा। लेकिन तभी किसी ने जबान पकड़ ली, जो ऐसे ऐसे आंधी तूफान के बवंडरों से नहीं डगमगाई वह कमजोर है। तभी याद आया कल प्रभा छत पर बैठी बैठी रो रही थी, मैंने रोते हुए पहली ही बार देखा था। सवाल तभी से उठ रहा था, पूछा, अच्छा प्रभा एक बात और बताओ। उसने यूं ही कहा, तुम कल रो क्यों रही थी, इतने दिन हो गए मैंने तुम्हें रोते शायद कभी नहीं देखा, जब मैंने चांटा मारा था तब भी शायद तुम नहीं रोई थी। इस बार प्रभा का स्वर कड़ा हो गया, मैं क्या उस दिन कोई भी खूब रोता, इतनी बड़ी हो गई अभी तक चरित्र पर किसी ने एक शब्द नहीं कहा, उस दिन जो सुना। फिर सहसा वह चुप हो गई। कुछ देर बाद भाविष्ट स्वर में बोली, जिस दिन तुम भी मेरे चरित्र पर संदेह करोगे उस दिन जहर खा लूंगी। मैं चुप हो गया, लगा उसकी दृढ़ता के आगे मैं बौना हूं। चिंतित स्वर में कहने लगा, हमारे घर का वातावरण रोज रोज गंदा होता चला जा रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। फिर उसे सांत्वना देता सा बोला, तुम भी क्या सोचती होगी, पढ़ लिख कर किस कुएं में आ गिरी। सहसा प्रभा ने कोई जवाब नहीं दिया, काफी देर तक चुप रही, फिर जाने कहां से बोली, मुसीबतें हमेशा ही तो नहीं रहती, तुम पढ़ लिख लो कुछ तो आसानी हो ही जाएगी, तुम्हारे साथ साथ रहूंगी तो कुएं खाई कहीं भी डर नहीं लगेगा, अकेले पड़ जाने पर ही जी घबरा उठता है। उसके भीगे स्वर के रोमांचों को मैंने दिल की गहराई से महसूस किया। अच्छा तुमने तो इतने सवाल पूछ लिए, अब मैं भी पूछूं? नहीं प्रभा नहीं, मैं तुम्हारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा,
समझ लो कि पागल था, उन दिनों दिमाग ठीक नहीं था। प्रभा का आप से तुम पर आना मुझे अच्छा लगा। सुबह सुबह मैंने प्रभा से कहा, प्रभा जो हुआ सो छोड़ो, वह सिर्फ मेरी गलती थी। अगर मेरी मजबूरी समझ सकती हो तो मुझे माफ कर दो। हमारे घर की हालत तो तुम देख ही रही हो, तुम खुद समझदार हो। इन सारी परिस्थितियों में हम लोग कैसे रहे यह निश्चय भी हमें ही करना होगा। मुझे खुद अच्छा लग रहा था कि मैं इतनी गंभीरता के साथ महत्वपूर्ण बात कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। इसमें मैं क्या बताऊँ, जैसे तुम कहोगे मुझे मंजूर है। बताओ आज तक मैंने कभी तुम्हारा विरोध किया? मेरी बाहें पर सिर रखे छाती की ओर देखती वह बोली, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम विरोध करो, हम लोग बहस करें और फिर खूब सोच समझकर एक नतीजे पर पहुंचे। कहने को तो मैं कह तो गया, लेकिन मन के भीतर किसी ने पूछा, तुमसे विरोध में कहीं कोई बात सुनी जाएगी? जल्दी से बोला, तुम्हारी सलाह के बिना मैं कोई काम नहीं करूंगा। घर की सारी परिस्थितियां तुम्हें इस लायक नहीं लगती कि उन पर बैठकर बात की जाए? आखिर तुम सलाह देने से डरती क्यों हो? तुम भी तो पढ़ी लिखी समझदार हो। फिर वही पढ़ने लिखने पर तानाबाजी? प्रभा का स्वर तेज हो गया। तुम भी अपने घर वालों की भाषा ही बोलोगी क्या? बताओ इस पढ़ने लिखने को कहां ले जाऊं? माँ बाप ने पढ़ा दिया तो क्या करूं? जो कुछ पहले पढ़ा लिखा था सब तो भुला दिया। किसी को घर में आज तक पढ़ने लिखने का घमंड दिखाया? स्वर में नाराजी थी और गले में गीलापन। मुझे अपनी गलती महसूस हुई। उस बेचारी को बिना जवाब देने का अवसर दिए इस बारे में इतने ताने सुनने पड़े हैं कि अब अपने को रोक नहीं पाती। दुलार से उसका मुंह अपनी तरफ मोड़कर कहा, तो बाबा यह सब मैं कहाँ कह रहा हूँ? लगता है इतने दिनों की चुप्पी का बदला निकालने को उधार खाए बैठी हो। मुंह से बात निकली नहीं कि काटने दौड़ी, पुरानी शराब की तरह तेज हो गई हो। उसे खुश करने के लिए आगे जोड़ा, आदमी जरा पी ले तो चस का ही ना छूटे और जिंदगी भर नशे में पड़ा रहे। बेरुखी से वह बोली, इन शब्दों का अर्थ मैं नहीं जानती हूं। फिर शायद लगा कि स्वर में ज्यादा कड़ाई आ गई है, लजाने का भाव दिखाकर कहा, दो दिन में तुम तो अच्छे से अच्छे सिनेमा एक्टर से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो गए। जो बात कर रहे थे वह तो चूल्हे भाड़ में गई और लगे ये बेकार की बात करने। एक्सपर्ट शब्द कानों को खट से लगा। प्रभा शिक्षित है, यह बात इतनी तरह दुर्राई गई थी कि इसका अर्थ ही खो गया था। इस शब्द से पहली बार मुझे ध्यान आया कि वह किसी गांव कस्बे के घिरे वातावरण में रहने वाली नहीं, अच्छे शहरी परिवार की एक लौती लड़की है। किरण के पहनने उठने का ढंग, बोलचाल के तौर तरीकों को देखकर मेरे मन में आया कि काश ऐसी समझदार और सुरुचिपूर्ण पत्नी मेरी भी हो। उस सिलसिले में मैंने प्रभा को कभी याद ही नहीं किया। वह तो कभी घर का कामधाम करने रहने वाली एक नगण्य प्राणी से अधिक मेरे सामने आई ही नहीं थी। जब याद आया कि सिनेमा देखना तो दूर, बेचारी हमारे यहाँ तो सिनेमा की पोस्टर तक देखने को तरस उठी होगी, कहानी उपन्यास की एक एक लाइन पढ़ने को तड़फड़ाती होगी। शहर की लड़कियों के तो जाने कितने कितने सपने होते हैं, जाने कितने कितने शौक होते हैं। बेचारी ने सब हमारे घर की दीवारों में दफना दिए। तभी दिवाकर के घर और अपने घर का अंतर सामने आया। कम से कम वहां पढ़ा लिखा होना एक दुर्गुण में तो शुमार नहीं किया जाता। क्या कभी हमारा घर भी वैसा हो सकेगा? मैं भी प्रभा से किसी दिन कह सकूंगा कि शाम को घूमने चलना है, दिवाकर और किरण आएंगे, उनके साथ चाय पीनी है। लेकिन लेकिन और आगे सोचा नहीं गया। अपने आप एक गहरी सांस मुंह से निकल गई। प्रभा ने मेरी सांस सुनी तो झकझोर कर बोली, अब क्या सोचने लगे? फिर मेरे माथे पर झुककर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा बताओ
क्या कह रहे थे? एक्टर वाली बात बुरी लग गई क्या? मैं चुप रहा और अपने ऊपर झुके उसके चेहरे को गौर से देखता रहा। जाने क्यों लगा कि यह जो कुछ कह और कह रही है वह सच्चे मन से नहीं कर रही है। सोचती होगी कि बांध दी गई है तो निभाना ही पड़ेगा। निश्चय ही मन के भीतर कहीं वह मुझे अपने लायक नहीं मानती। बताओ ना। इस बीच उसने फिर अनुरोध से कहा, देखो मैं तुम्हारी 100 बात मानूंगी, तुम मेरी 1 बात मान लेना। मुझे बहुत बकबक करने की आदत है, जो मुंह में आता है बक देती हूँ। मेरी किसी भी बात का बुरा मत माना करो। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे खुद भी ध्यान नहीं रहता कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं। बाद में अफसोस होता है, इतने दिनों चुप रही हूँ सो कुछ न कुछ बोलने की याद आती है। रमा भी कहती थी कि मैं बहुत बकवास करती हूँ। मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन अपनी ही बात से मन में बहुत उदासी घिरने लगी। सचमुच मैं इस लड़की के लायक हूँ ही कहाँ। ऊपर से पूछा, कौन रमा? मेरी एक क्लास फेलो है। उत्साह से सब कुछ भुलाकर वह रमा के बारे में बताने लगी। अंत में बोली, इस बार जब मैं गई थी तो तुम्हारे बारे में बहुत ही पूछ रही थी। अपने क्लास की सबसे शैतान लड़कियां थी हम लोग। मेरी बहुत ही पक्की दोस्त है। लड़कियों में इतनी पक्की दोस्ती होती नहीं है। हम लोग आपस में सोचा करती थी, कभी शादी नहीं करेंगे, खूब पढ़ लिख कर गांव में चली जाएगी और वहां स्त्रियों को पढ़ाया करेंगी। कभी सोचती थोड़ा सा सामान साथ लेकर सारे हिंदुस्तान का पैदल टूर करूंगी। खूब विस्तार से अपनी डायरी लिखा करेगी, नए नए गांव और नए नए शहरों में तरह तरह के लोग मिलेंगे, गुंडे बदमाशों या जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए हम लोग लाठी और छुरी चलाना सीखने की योजनाएं बनाती, और भी बैठी बैठी ना जाने क्या क्या बातें किया करती। घर और बाहर वाले सब बहुत नाराज होते कि जाने ये लोग ऐसी क्या बातें करती रहती है कि खत्म ही नहीं होती। हम लोग उन्हें और भी चिढ़ाते। अचानक मैंने बात काट कर पूछा, अच्छा प्रभा, तुम्हें शादी करने का बहुत अफसोस है? प्रभा झटके से चौंक पड़ी, नहीं तो क्या मैंने तुमसे ऐसा कहा? फिर वह खिलखिलाकर हंसने लगी, देखो मैं कहती थी ना, मुझे बोलने की बहुत आदत है, मुझे रोक दिया करो, क्या करो याद ही नहीं रहती। वही बात हुई ना? और वह देर तक खिलखिलाती रही। मुझे उसका यूं उन्मुक्त भाव से खिलखिलाना अच्छा भी लगता था और आश्चर्य भी होता था कि इतना सब सह चुकने के बाद कैसे यह बिना झिझक हंस सकती है, बातें करती चली जा सकती है। मैं तो अपनी याद में कभी भी यूं हंसा ही नहीं। अचानक हंसना रोककर उसने मेरी कनपटियों को दोनों हथेलियों के बीच में दबाकर सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, देखो मैंने जो कुछ भी कहा हो उसे बिल्कुल भूल जाओ। अब तो मैं चाहती हूँ कि तुम खूब पढ़ लिख लो, मुझसे जो कुछ भी कहोगे मैं करती जाऊंगी। मुझे दिवाकर और बाबूजी की सारे बातें याद आ गई। पूछा, प्रभा एक बात में सलाह दो। मैंने कहा ना, मुझसे सलाह मत मांगो, तुम जो कहोगे करूंगी। अरे सुनो तो सही पहले, बड़ी आज्ञाकारिणी बनती हो, मैंने नकली डांट से कहा। मेरा एक दोस्त है दिवाकर, वह भी पीछे पड़ रहा है कि मुझे 3rd ईयर ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। दूसरी तरफ भाई साहब और बाबूजी का यह कहना है कि मुझे कहीं ना कहीं नौकरी कर लेनी है ताकि घर को कुछ मदद मिल सके। मेरा तो दिमाग काम ही नहीं करता, तुम बताओ। वह थोड़ी देर चुप रही, जैसे मुझे कुछ और कहने का अवसर दे रही हो। फिर बोली, अब इसमें मैं क्या सलाह दूं, तुमको जो भी ठीक लगे। मुझे साफ लगा कि जो कुछ वह कहना चाहती थी वह नहीं कहा। अपने मन के ऊपर ही ठीक लगने की बात होती तो मैं तुमसे पूछता ही क्यों। मैं जो भी तय करूंगा उसका असर केवल मुझ तक ही तो नहीं है। अब तक तो अपने लिए, घर वालों के लिए पढ़ाई का बहाना था, अब वह भी खत्म हो गया। जितना कुछ दिखता है
उससे यह तो साफ है कि पढ़ाई अब आगे चलेगी नहीं। इतने दिन जैसे रो पीट कर काटे हैं, वही बहुत है। घर वालों को अब तत्काल मदद की जरूरत है, अब तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। प्रभा ने जमुआई ली और बोली, तो ठीक है, कुछ कर करा लो। इतने बेमन से क्यों कह रही हो? मैंने कहा, मुझे मालूम है तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं है, लेकिन बताओ करूं क्या? और रहा काम, सो कहना सबके लिए बड़ा आसान है, जरा बाहर निकल कर देखोगी तो पता चलेगा कि काम कैसे मिलता है। बड़े बड़े इंटर और बीए घूमते हैं, कोई कौड़ी को नहीं पूछता। बहुत कोशिश करूंगा तो 40-50 की नौकरी मिल जाएगी, सो दिन भर कलम घिसनी पड़ेगी और रात को फाइलों का गट्ठर बांधकर घर लाना पड़ेगा। बात करने की फुर्सत नहीं मिलेगी, रात भर बैठे बैठे आंखें फोड़ो। भाई साहब लड़ाई के जमाने में ही नौकर हो गए थे, सो समझते हैं कि अब भी वैसे ही आसान है। वह जमाना तो रहा नहीं, लेकिन ये बातें समझाए किसे? हमारी तो अकल काम नहीं करती। पास में कोई डिग्री हो तो कोशिश भी की जाए। अब किसी से क्या जाकर कहे कि जी हम इंटर पास है और वह बेचारा भी क्या नौकरी दिलाए। तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? क्या बोलूं बताओ, कहो तो किसी स्कूल में मास्टरनी चास्टरनी की नौकरी कर लूं। उसके स्वर में परिहास खनक उठा, जैसे घर की सारी स्थिति की ओर संकेत कर रही हो। एकदम बड़ा सा मुंह फाड़कर मैं बोला, घर से और निकलवाना, यह बात अगर जरा भी अम्मा या भाभी के कान में पड़ गई तो समझ लो कि वह तूफान उठेगा कि घड़ी पहनकर खाना बनाने वाला दिन भूल जाओगी। फिर इन परिस्थितियों और अपनी मजबूरी पर खुद ही गुस्सा आने लगा। सच प्रभा, कभी कभी तो ऐसी झुंझलाहट होती है कि यहां से कहीं भाग चले। तुम भी सोचती होगी कि किस निकम्मे के पल्ले बंधी। मैं दिल की बात कहता हूं, अब तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। आराम चैन का तो सवाल नहीं, ठीक से पहनना ओढ़ना भी नहीं होता। मेरे पास खुद कपड़े नहीं है। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत है। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। दिवाकर की वाइफ रोज पीछे पड़ती है कि तुम्हें किस दिन ले चलूं, लेकिन बताओ कैसे ले चलूं? अब तो मुझे यह डर है कि किसी दिन वही यही ना चली आए। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने दिवाकर को यह क्यों बता दिया कि प्रभा आ गई है। अगर आ जाए तो हम लोग उन्हें कहाँ उठाए बिठाएंगे? झट प्रभा बोल पड़ी, हाय सच्ची, यहाँ ले भी मत आना। क्या कहेगी यहाँ का सब देखकर? उनकी खातिर करने के लिए भी तो कुछ नहीं है। मुझे खुद ही यही चिंता है। कभी कभी तो सच बड़ा गुस्सा आता है। मन में आता है कि छोड़ सब चक्कर, बक लेने दो जो जिसके जी में आए, और खूब मन की लगा कर पढ़ूं, फिर इसके बाद अच्छी सी नौकरी करके खूब ठाट से रहे। जितने की अब नौकरी मिलेगी इतना तो तब आसानी से घर दिया जा सकेगा। मैं स्वप्नविष्ट की तरह कहता रहा, किस किस की चिंता करें, सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, सब अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं। पर फिर आत्मा नहीं मानती, माँ बाप के लिए भी तो अपना कुछ फर्ज है। मैं सोचता रहा। सुबह का उजाला आकाश में उभरता चला आ रहा था। प्रभा अपने हाथ पांव हिलाकर जमुलाई लेकर व्यक्त कर रही थी कि अब जाना है। उठते हुए बोली, लेकिन अच्छी नौकरी के बाद फर्ज कुछ ज्यादा अच्छी तरह अदा नहीं किया जा सकता। मैं उसकी तरफ प्रश्न भरी दृष्टि से देखता रहा कि इस कहने का क्या मतलब लूं।